हम अपनी बुद्धि में इतने आसक्त हो जाते हैं, संसार में इतने उलझ जाते हैं कि जो मन कहता है, जो बुद्धि कहती है, वही वही करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करते। इससे क्या होता है कि हम मन की ज्यादा माने तो मन तो गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए आप मोबाइल उठाइए, दो मिनट के लिए उठाइए, पर कब एक घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता। मन चाहता है कि आप व्यर्थ काम करें, उल्टे काम करें, आप चोरी करें। मन चाहता है कि आप चोरी करें, मन चाहता है आप कुछ भी। देखो, मन कहता है रसगुल्ले खाओ, मन कहता है रबड़ी खाओ, मन कहता है पिज्जा खाओ, मन कहता है बर्गर खाओ। ये मन के कारण आपने खा तो लिया, लेकिन भोगना मन को नहीं पड़ेगा। ज्यादा खा लिया तो बीमार आप पड़ेंगे, आपको भोगना पड़ेगा। मन तो अपना मस्त रहेगा, मन सदा फंसाता है ना। मन के चक्कर में मन खवा देगा खूब सारा, ये अच्छा खा लो खा लो, बाद में फिर परेशान कौन। आप परेशान हो, पेट पकड़े घूमो, ये करवट लो वो करवट लो, खा लिया। इसलिए मन की मत मानो, मन के कारण ही आज किसी लड़के ने किसी बहन बेटी को गंदी निगाहों से देखा तो उसका मन ही तो जा रहा है, इसलिए तो देख रहा है। फसाद की जड़ मन ही तो है, मन पे कंट्रोल नहीं है इसलिए किसी को भी देख रहा है, कैसे भी देख रहा है। इसलिए मन पर कंट्रोल, मन के चक्कर में पड़ोगे मन सारी जिंदगी तुम्हें यहां भी परेशान करेगा और नरक ले जाएगा। इसलिए मन के चक्कर में ना घूमा करो, सही है। रावण ने क्या किया, रावण के मन में जो आता करता। इसलिए मन की ज्यादा ना सुनो, मन को अपने कंट्रोल में रखो और मन के ऊपर बुद्धि को हावी होने दो, बुद्धि के ऊपर विवेक को हावी होने दो, मन को हावी ना होने दो, मन को दबा के रखो। किससे दबाएं, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों से। मन कितना भी, अब जैसे सामने रसगुल्ला रखा हो, सामने गुलाब जामुन रखी है, कई बार मैं जब भोजन करने बैठता हूं तो गुलाब जामुन भी आप कभी कभी आ जाती है सामने, तो कटोरी में रखी है, मैं भोजन कर रहा हूं, बार बार मेरा मन गुलाब जामुन की तरफ जाता है। आज आई है खा लो, आज आई है बहुत दिन बाद खा लो, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं देखता, रखी है, बुला लेता हूं रख दो, ताकि मन कम से कम देख तो ले क्योंकि इसे मैं खाने तो दूंगा नहीं। रखी है, मन देखता रहे, पर मैं खाऊंगा अपनी सलादें ही, ककड़ी चबा रहा हूं, गाजर चबा रहा हूं, पूरा भोजन मैंने कर लिया, मैंने गुलाब जामुन को, मेरी इच्छा भी है खाने की, गुलाब जामुन को खाने की इच्छा है, पर मैं नहीं खाता। मुझे पता है कि यदि मैं आज मन की मान लिया, मैं एक खाऊंगा तो मन कहेगा दूसरा भी खा लो, क्या बिगड़ रहा है, तीसरा भी खा लो। मैं खाता ही नहीं हूं, कभी कभी इक्का दुक्का एक आध खा लिया। मैं इसलिए नहीं खाता, मौसम सर्दी का चल रहा है, मुझे तो काम करना है, भागवत जी सुनानी है, सर्दी जुकाम हो गई, गले में कोई दिक्कत हो गई, इसलिए खाने पीने में कंट्रोल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम अपने आप को संयमी हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। मन तो चाहता है कि खाओ भरपेट कुछ भी और बीमार पड़े रहो। आप जितने लोग 100-100 किलो का वजन लिए घूम रहे हैं, 90-90 किलो का वजन, ये कौन लोग हैं। ये वही लोग तो हैं जिनका मन पर कोई कंट्रोल नहीं है, दिन भर खाते हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये वही लोग हैं, कुछ भी आ जाए मन कह रहा खा लो खा लो, नहीं, मन के ऊपर आप हैं, समझाइए। मन की ना मानो गड्ढे में ले जाएगा ये। मैं मन को दिखाता बस हूं, खवाता कम हूं उसको, हाँ काढ़ा पिवाता हूं मन को, चलिए पी जल जाए
आप लोगों ने तो कोरोना काल में ही काढ़ा पिया होगा, हम तो अभी भी पीते हैं। सबसे बढ़िया है हम चाय नहीं पीते ना, रात्रि को सोने के पहले गुड़, गुड़ में थोड़ा सा तुलसी के पत्ते, तुलसी गुड़, तुलसी और थोड़ा सा दालचीनी और थोड़ा सा अदरक सौंठ इत्यादि, ये सब मौसम ठंडा हो रहा है ना, ये सब डाल के पका लिया कप भर एक जरा सी कटोरी में, बढ़िया दो चार चुस्कियां ले ली अपने काढ़ा की, उससे क्या होता है एनर्जी मिलती है बॉडी को, और क्या होता है सर्दी जुखाम से बचाता है। कोरोना काल में आप सबने पिया होगा, तो पी के छोड़ काहे दिया, पीते रहो, अच्छी चीजें करते रहना चाहिए, बुरी चीजें नहीं करना चाहिए। चाय ना पियो, काढ़ा पियो, दूध पियो। कल मुझे, मैं कल की बात बता, देखो मैं अपने मन पे कितना कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, मन को जीत पाना तो संतों का काम है, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश हो अपने मन को काबू में करने की कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है। कल की मैं अपनी घटना बताता हूँ, कल मुझे बहुत भूख लगी थी रात्रि को, जब मैं कथा सुना कर गया मुझे बहुत भूख लगी, क्योंकि मैं सुबह खाता हूँ शाम को खाता नहीं हूँ, तो शाम को भूख लगती है, कल मुझे बहुत भूख लगी, तो मैंने कह भी दिया बच्चों से कि आप भोजन ले आओ, पर भोजन में रोटी और चावल मत लाना, दाल सब्जी लाना, मैं दाल सब्जी। फिर बाद में थोड़ी देर बाद मैंने कहा ये कह कौन रहा है कि खा लो, मन कह रहा है, मैंने कहा ये मन आज पड़वाएगा, ज़्यादा खाऊंगा बीमार पड़ूंगा, तो मैंने तुरंत बुलाया, मैंने कहा प्लान चेंज है, पहले दूध लाओ, दूध पियेंगे और दूध पीने के बाद यदि पेट में जगह रही तो फिर थोड़ी सी दाल पियेंगे, पहले दूध पी के पेट भरेंगे, दूध पीने के बाद जगह बची तो क्या पियेंगे, दाल और सब्जी, रोटी और चावल तब भी नहीं, रात्रि को रोटी चावल नहीं, सिर्फ दाल और सब्जी। भूख लगने पर तो कल हमने दूध पिया, बहुत भूख लगी थी पर दूध पिया ना तो पेट भर गया। अच्छा दूध आपने सुना होगा, माँ का दूध बच्चों के लिए संपूर्ण आहार होता है, ये तो आप जानते हैं। एक्चुअली गाय का जो दूध है ना वह दूध भी संपूर्ण आहार होता, इसलिए कहता हूँ घर में एक गाय रखो तो शुद्ध दूध मिलेगा, तो शुद्ध दूध मिलेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। मैं गोली दवाई नहीं खाता ना के बराबर, बीमार आप इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आपका खान पान में कंट्रोल नहीं है। मैं रोज 2 घंटे पद्मासन में बैठता हूं, जैसे बैठा हूं तो मतलब एक इस वाले पांव को उठा के इस जंघा में रखना, इस पांव को उठा के इस जंघा में रखना, है ना। 2 घंटे बैठता हूं मैं इस आसन पर, क्यों बैठता हूं, क्योंकि मुझे पता है शरीर को आप जितना सुख देंगे शरीर उतना आपको परेशान करेगा, हाँ या ना। आज पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे क्योंकि इतनी बीमारियां नहीं थी, आज इतने हॉस्पिटल इसलिए हैं, इतनी बीमारियां हैं, बीमारियां इसलिए हैं कि आपको अब घर में बर्तन वाली भी है, झाड़ू वाली भी है, कपड़े तो कुछ नहीं काम करना, मैडम खाई पी और पड़ी रही, तो खाने पीने पड़े रहने से फिर बीमार ही पड़ेगा, कुछ तो करो कंट्रोल। जीवन में अपने मन पर थोड़ा सा लगाम लगाइए, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। मैं मोबाइल कम चलाता हूं, पढ़ता ज्यादा हूं, पढ़ने में ध्यान लगाना चाहिए, मोबाइल से कुछ नहीं मिलना, मोबाइल में सुनना है तो कथा सुना करो और बाकी समय आप अच्छी चीजें पढ़ा करो।